हे दोस्तों, यू हेल्प चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एक नए वीडियो के साथ मैं शिवराज चौधरी आप सभी का आपके अपने चैनल यू हेल्प चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, NMDC लिमिटेड जो कि एक PSU है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत एक कंपनी है, उसमें 8वीं 10वीं 12वीं पास और BSc ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसी आई है। वैकेंसी की पूरी डिटेल्स इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे पोस्ट की बात कर लेते हैं। मेल वार्ड अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए आप 8वीं पास होना चाहिए, फीमेल वार्ड अटेंडेंट के लिए भी 8वीं पास, उसके बाद ये ग्रेड 3 और असिस्टेंट रेडियोग्राफर, यहाँ थर्ड पोस्ट जो है ग्रेड 3 की, यहाँ तक आप 8वीं पास होना चाहिए और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए ड्रेसिंग का। और स्टार्टिंग की जो दो पोस्ट है उनके लिए सिर्फ आप 8वीं पास और एक साल का आपके पास एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। फोर्थ पोस्ट जो है यहाँ पर असिस्टेंट रेडियोग्राफर के लिए, उसके लिए आप 10वीं पास होना चाहिए और रेडियोग्राफी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी या फिर ग्रेजुएशन इन साइंस और सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास रेडियोग्राफी में। असिस्टेंस ब्लड बैंक टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए आप ग्रेजुएट होना चाहिए साइंस में या फिर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्नीशियन का, या फिर आप 10वीं पास और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नीशियन का और दो साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। लास्ट पोस्ट है इसमें नर्स ग्रेड 3 की, जिसके लिए आप BSc नर्सिंग होना चाहिए और डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए नर्सिंग का, या फिर 10वीं पास आप होना चाहिए और नर्सिंग ए का आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके लिए जो है अगर कोई BSc नर्सिंग है तो इसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए है, एक साल का एक्सपीरियंस सिर्फ इंटर साइंस और जिनके पास डिप्लोमा है 12वीं के बाद, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है नर्सिंग का, उन्हें के लिए ही जो है वो एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ने वाली है। बाकी BSc नर्सिंग को एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। टोटल 36 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी है। कम से कम 18 साल एज होना चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर जो है वो 30 साल है। सैलरी आपकी 11,000 से 19,000 पे स्केल वाली सैलरी इसमें मिलेगी। 15,000 से 20,000 समथिंग इस पर जो है वो आपकी सैलरी बनना है। इस पर जो सिलेक्शन होगा वो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर इस पर जो है सिलेक्शन होगा। रिटन टेस्ट आपका 100 नंबर का होगा। सेकंड लेवल पर आपका ट्रेड टेस्ट, जॉब प्रोफिशिएंसी टेस्ट या इंटरव्यू कह सकते हैं उसको, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, उसके कोई नंबर नहीं रहेंगे। टोटल सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट के आधार पर ही होगा। 100 नंबर में जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे उसका सिलेक्शन होगा, बशर्ते आप जो है प्रोफिशिएंसी टेस्ट और जो भी आपका ट्रेड टेस्ट है वो आप क्वालिफाई करना चाहिए। इसका फॉर्म आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं, ऑफलाइन भी भर सकते हैं, दोनों की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो है 26 फरवरी। ऑफलाइन फॉर्म भेजने की भी लास्ट डेट जो है वो 26